में आ जाइए और सारे डाउट डिस्कशन यहां पे होंगे टेलीग्राम के ग्रुप में, ठीक है मोहम्मद दानिश। चलिए हिंदी वालों के लिए भी कुछ जरूर पढ़ा रहे यार। देखो अब है क्या, ये है कॉपर, आज अपन कल आयरन खत्म कर चुके हैं, आज अपन कट ऑफ करेंगे। देखो एग्जामिनेशन अगर मान लीजिए हार्ड आया और एग्जामिनेशन अगर मान लीजिए इजी आया, अगर हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड होगा और उसमें कोई आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ होगा। अगर इजी आया तो भी सबके लिए होगा, तो कुछ भी हो आपके लिए अलग से कुछ नहीं हो रहा। अगर कट ऑफ नीचे जाएगा तो सबके लिए जाएगा, अगर कट ऑफ ऊपर जाएगा तो सबके लिए जाएगा। आप बेस्ट दो पढ़ाई में, ठीक है। चलिए सो मेटलर्जी ऑफ कॉपर अपन आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पढ़ने का तरीका चेंज करिए, कैसे, कॉपर के कितने ओर होते हैं वो सारे पहले देख लीजिए। कॉपर के ऑक्साइड ओर होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं और मैलाचाइट और एजुराइट, याद है यार मैलाचाइट और एजुराइट याद है, इसी मैलाचाइट के आगे दो लगा देते थे तो इसको एजुराइट बोल देते थे। सो त्रिशादास और ए जामन, इसमें से जैसे मैंने कल बताया आयरन के भी चार ओर थे लेकिन मेन ओर तो हेमे और हेमा ही है ना, मेन ओर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ही है ना, उसी तरह कॉपर में मेन ओर तो कॉपर पाइराइट है, CuFeS2 मेन ओर कॉपर पाइराइट है, बाकी ऑक्साइड ओर सल्फाइड ओर ये सब हटाओ, FeS2 कॉपर का जो कॉपर पाइराइट है ना CuFeS2 दैट इज द मेन ओर। अब क्या है, किसी भी मेटल के लिए, किसी भी मेटल के लिए आपको यही चार प्रोसेस करने हैं, ये डे वन से अपन यही पढ़ रहे हैं, किसी भी मेटल के लिए ये चार प्रोसेस। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर सल्फाइड ओर का कैसे होगा, कंसंट्रेशन के लिए कोई भी कंसंट्रेशन करनी हो यही चार प्रोसेस होती है, कौन सी, या तो ग्रेविटी सेपरेशन कर लो, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, या तो फ्रोथ फ्लोटेशन, या तो लीचिंग। अगर सल्फाइड ओर है तो मोहम्मद दानिश ने बिल्कुल सही पकड़ा, फ्रोथ फ्लोटेशन लगाते हैं। अब मुझे बताइए कॉपर का मेन ओर क्या है, कॉपर का मेन ओर है CuFeS2, क्या इसमें आपको सल्फर दिख रहा है, क्या इसमें आपको सल्फर दिख रहा है, आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है सर, अगर सल्फर है तो दैट मीन्स इट इज सल्फाइड ओर, यस दिस सल्फाइड ओर इज द मेन ओर। सो अब इसका पहला प्रोसेस क्या होगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास चार तरीके हैं, हमारे पास कंसंट्रेशन करने के लिए चार तरीके हैं, विच वन यू विल प्रेफर, एब्सोल्यूटली कलेक्ट फ्रोथ फ्लोटेशन। सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन इज फ्रोथ फ्लोटेशन, मैंने इसको कैसे आपको पढ़ाया हुआ है, झाग तैरने वाला तरीका, याद आया कुछ, झाग तैरने वाला तरीका, कुछ याद आया तो बोलिए हां, बहुत अच्छा आशुतोष, मोहम्मद तारिक, राहुल गुड इवनिंग। स्टेप वन करते ही हमारे पास जो ओर है ना वो प्योर हो गया, पहले इसके साथ धूल मिट्टी थी लेकिन जैसे ही स्टेप वन मिला धूल मिट्टी अलग और प्योर पार्टिकल अलग, प्योर ओर मिला है। अब प्योर ओर मिलने के बाद हमारे पास दूसरा होता है इसका कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इनटू ऑक्साइड, कंसंट्रेटेड ओर बोले या प्योर ओर बोले एक ही बात है कि नहीं, बोलिए हां, बहुत अच्छा। अब जो प्योर ओर मिला है इसको ऑक्साइड में चेंज करने की बारी आ गई है, अमित सिंह पी ब्लॉक का आपको हम जरूर पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो जब प्योर ओर है इस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दें, ऑक्साइड में स्टेप टू के कितने प्रोसेस, दो ही तो हैं यार, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, काम खत्म, आओ इसको काम तमाम करें। अब आप बताओ मुझे सल्फाइड ओर के लिए कौन सा प्रोसेस, यार ये तो जग जाहिर है कि सल्फाइड ओर के लिए, एक मिनट, जग जाहिर है कि सल्फाइड ओर के लिए यही प्रोसेस यूज होता है, सल्फाइड ओर के लिए कौन सा, रोस्टिंग, बाद बाकी जितने भी ओर है सारे कैल्सिनेशन से हो जाते हैं, यस, तो कौन सा लगाओगे CuFeS2 के लिए, यार CuFeS2 FeS2 में सल्फर है सल्फाइड और है, रोस्टिंग लगा देंगे। नेहा से लेकर के त्रिशा दास तक सब लोग बोल रहे हैं कि सल्फाइड और है तो रोस्टिंग लगाएंगे। CuFeS2 में आपको पता नहीं चल रहा है कौन कौन से ओर है, देखो इसमें कॉपर का भी सल्फाइड है, इसमें आयरन का भी सल्फाइड है, दिख रहा है कुछ, इसमें कॉपर का भी सल्फाइड है, इसमें आयरन का भी सल्फाइड है, ठीक है। अच्छा सर आप बोलोगे सर ये तो ओर कॉपर का है, इसमें आयरन का ओर क्या है, यस इंप्यूरिटी है, कॉपर सल्फाइड प्योर ओर है लेकिन प्योर ओर के अंदर ये इंप्यूरिटी है,
इसको हम स्टेप नंबर थ्री में हटा देंगे, ठीक है। चलिए मेट बनेगा, विकल्प त्रिपाठी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसी को मेट बोलते हैं। बोला था ना मैंने, कॉपर का सल्फाइड ओर प्लस आयरन का सल्फाइड ओर मेट बनता है, मोल्टन मेट, ठीक। आइए अब हमें स्टेप टू में करना क्या है, ये जो हमारे पास प्योर ओर पड़े हैं ना, प्योर ओर को ऑक्सीजन दे दो, रोस्टिंग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीटिंग करो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दे दो उसमें हीटिंग करोगे, तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कोई बहुत बड़ी तोप चीज तो नहीं पढ़ा दी मैंने, ठीक है। आदिति कृष्णा और मांडवी गुप्ता बहुत सही। आइए अब यही तो हमने पढ़ा है, देखो ना कॉपर के अंदर दो चीजें होती हैं, इसी को हम मोल्टन मेट कहते हैं, सारी चीजें। ये देखो हमारे पास दो चीज है, स्टेप नंबर थ्री पढ़ रहे हैं, हमारे पास दो चीज है, दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द सेकेंड थिंग, ठीक, बात समझ में आई। अब देखना, सबसे पहले हमने इसको रोस्टिंग कर दी, और रोस्टिंग करने से क्या हुआ, ये जो ओर है ना ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ये वाला जो ओर है ये ऑक्साइड में कन्वर्ट कर गया, दैट मीन्स ये वाला जो रोस्टिंग का प्रोसेस है ये दिख रहा है क्या, ये दोनों किसके प्रोसेस है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके प्रीवियस में, रोस्टिंग के, रोस्टिंग का मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हो गया बात समझ में, ये आ गई, ये दोनों क्लियर है। अब देखना इसमें दो चीज है हमारे पास, कॉपर और आयरन। एक बात बताओ, ये क्या स्लैग बनना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बेकार चीज होती है, स्लैग बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि बेकार चीज है, स्लैग बनना इज इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दूध के ऊपर जब मलाई बनती है तो नीचे वाला जो लिक्विड दूध है वो गर्म रहता है, एटमोस्फियर के टच में नहीं आ पाता है, उसी तरह लिक्विड मेटल के ऊपर स्लैग बनेगा तो वो एटमोस्फियर से कॉन्टेक्ट तोड़ देगा, एटमोस्फियर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तो प्योर लिक्विड मेटल बना रहेगा, एटमोस्फियर से इंप्यूरिटी अंदर जा सकती थी लेकिन मलाई बनने के बाद अंदर इंप्यूरिटी नहीं जा पाई। तो FeO क्या करता है, FeO जो है वो SiO2 के साथ मिलकर के स्लैग बनाता है, स्लैग बनाने का मतलब है जो हमारा यहां पे मेटल है ना वो प्योर का प्योर रहे, ठीक, बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट है, बहुत सही, ये दिस इज स्लैग फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। अब देखना हमारे पास FeO का काम क्या है, स्लैग बनाना, और कॉपर का काम क्या है, यहां पे कॉपर मैंने बोला था बेसेमराइजेशन, याद होना चाहिए बेसेमराइजेशन के दो रिएक्शंस दिमाग में होने चाहिए, बेसेमराइजेशन में ब्लिस्टर कॉपर बनता है और कॉपर जो है सेल्फ रिडक्शन करता है, कॉपर की अलग बात यही है, कॉपर सेल्फ रिड्यूस करता है, CU2O बन गया, कहां से, CU2O रोस्टिंग में बन चुका है, सारे रोस्टिंग में ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होंगे, सारे कन्वर्ट नहीं होंगे, जो बचा होगा ना ये दोनों आपस में सेल्फ रिडक्शन करके ब्लिस्टर कॉपर बनाते हैं। ऑक्साइड को ओर में बदलना है, मतलब सबसे पहले क्या किए, कंसंट्रेशन, दूसरी बात जो ओर मिला है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ये रहा। अब एक एक करके इन दोनों का देखो, आयरन ओर, आयरन ऑक्साइड क्या करेगा, स्लैग बना लेगा, ये क्या करेगा, ब्लिस्टर कॉपर बनाएगा यूजिंग सेल्फ रिडक्शन, ठीक है, SiO2 इज एसिडिक फ्लक्स, एब्सोल्यूटली करेक्ट, ब्लिस्टर कॉपर, आदिति कृष्णा इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, बहुत अच्छा, कॉपर सेल्फ रिडक्शन करता है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये बात यही मैं अलग से पढ़ा रहा था और कुछ नहीं, ठीक है, आइए आगे, दैट इज ब्लिस्टर कॉपर। अब आइए, अब कॉपर का चौथा प्रोसेस, तीन प्रोसेस खत्म कर चुके, चौथा प्रोसेस क्या है भाई साहब, चौथा प्रोसेस इज रिफाइनिंग। अब कॉपर का रिफाइनिंग से क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए अब खोल के रखेंगे दिमाग। देखो यहां पे क्या होता है, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्रोसेस होता है। अब आप कहोगे सर आपको याद आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो नीचे होता है, ठीक है, दैट मीन्स पाइरोमेटलर्जी से कॉपर का वहां पर रिफाइनिंग होना चाहिए था। देखो जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके वो सब प्रोसेस लगा सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है ना दैट इज बेस्ट, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। कॉपर, अब इससे आप कहोगे सर ऑप्शन में अगर आ गया ये दोनों तो कौन मारेंगे, दिस इज बेस्ट, सो कॉपर की रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से होगी। इसी तरह आगे हम जब पढ़ेंगे तो लेड की रिफाइनिंग की बात आएगी। आप कहोगे सर आपने तो पढ़ाया है लिक्वेशन, सुनो प्रभु बिस्मिल्ला, लेड की रिफाइनिंग लिक्वेशन से होगी, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे लेड की रिफाइनिंग भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और अदर प्रोसेसेस से होता है। लिक्वेशन भी लगाते हैं
लेकिन बेस्ट वो होता है जो अब हम स्पेशल मेटलर्जी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए, इलेक्ट्रो में अब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रो में आपको दो चीज दिमाग में रखनी है, कैथोड किस चीज का होता है, एनोड किस चीज का होता है और इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का होता है, ठीक है भाई साहब। आओ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, टब ले लेंगे, बीकर ले लेंगे, उसमें एक कैथोड लेते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, एक एनोड लेते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब कैथोड पे प्योर मेटल लेते हैं, एनोड पे इम्प्योर मेटल लेते हैं। अब जैसे हमें रिफाइनिंग किसकी करनी है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, सर रिफाइनिंग मुझे कॉपर की करनी है, सीयू की करनी है, तो इसी का प्योर मेटल यहां ले लेंगे, प्योर मेटल स्ट्रिप, ठीक है, मेटल की स्ट्रिप ले लेंगे और इंप्योर मेटल की स्ट्रिप यहां ले लेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऐसे ही होती है। आइए अब इसको कैसे दिमाग में रखेंगे, ये देखो हम सीपी, आप कहां पढ़ रहे हैं अभी, करियर पॉइंट में, दैट मींस कैथोड पे प्योर मेटल की स्ट्रिप लेते हैं और एनोड पे इंप्योर की लेते हैं। करियर पॉइंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। तो करियर पॉइंट में सारे लोग इंटेलिजेंट है, तो सीपी में कैथोड पे प्योर मेटल, एनोड पे इंप्योर मेटल, जब मैं पढ़ता था ना आप लोगों के टाइम पे, तो ये मुझे बहुत ज्यादा डाउट होता था कि प्योर किस पे इंप्योर किस पे, बार बार भूल जाता था, टेस्ट वगैरह मार्क्स नहीं आते थे इसकी वजह से। तो आप देखो कैथोड पे प्योर, एनोड पे इंप्योर, ठीक है ये बात। अच्छा अब कैथोड पे प्योर चीज ले रहे हैं, एनोड पे इंप्योर। अच्छा प्योर चीज कम होती है ना, इंप्योर मतलब वेस्ट मटेरियल, गंदगी, वो तो भरा पड़ा होता है, तो इंप्योर जो होता है वो थिक होता है, वो मोटा होता है, भरा पड़ा है, गंदगी बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन साफ सुथरी चीज कम मिलती है, दैट मींस थिन स्ट्रिप होगा, प्योर होगा तो थिन होगा, इंप्योर होगा तो थिक होगा, ठीक है। आइए अब जो है इलेक्ट्रोलाइट कैसे दिमाग में आएगा, इलेक्ट्रोलाइट देखो जिसका रिफाइनिंग करना है उसी का साल्ट सॉल्यूशन, कॉपर का रिफाइनिंग करना था कॉपर का ही साल्ट सॉल्यूशन। देखो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, जरूरी नहीं कॉपर में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आपके पास तीन चीज हमेशा होता है, कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कैथोड क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव टर्मिनल, और ये दोनों एक सॉल्यूशन में रहते हैं, पानी में डिप किए रहते हैं। सीपी मतलब कैथोड पे प्योर, एआई मतलब एनोड पे इंप्योर, प्योर होगा तो पतला होगा, इंप्योर होगा तो मोटा होगा, ठीक। अब कैथोड पे प्योर ले लिया, एनोड पे इंप्योर ले लिया, प्योर इंप्योर किसका, जिसका रिफाइनिंग करना है। पहले हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, किसका, कॉपर का, तो ये जो प्योर लेंगे ना वो भी कॉपर का होगा, इंप्योर लेंगे वो भी कॉपर का होगा, और जो सॉल्यूशन लेंगे वो भी कॉपर का होगा, समझ में आ रहे हो, सब कुछ कॉपर का है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जिसका रिफाइनिंग करना होता है उसी का सब कुछ होता है, एनोड मड अभी बता रहे, डोंट वरी, ठीक है। आइए अब होता क्या है, आइए एक एक करके समझते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग समझाने जा रहा हूं, सो फोकस ऑल हियर। अब देखना हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CuSO4, तो क्या मैं ये बोल दूं कि इसके अंदर Cu+2 है और SO4-2 है, क्या मैं बोल दूं जो जितना भी ये सॉल्यूशन है, जितना भी ये लिक्विड चीज है, इसके अंदर Cu+2 और SO4-2, इतने में कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा। अब आइए ये जो Cu+2 है क्या ये प्लस चार्ज है, अरे यार केटाइन है प्लस चार्ज है। अब देखना ये कैथोड क्या है भाई साहब, नेगेटिव चार्ज, सो प्लस है यहां पे, देखो Cu+2 सॉल्यूशन में है और ये कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज, दैट मींस यहां पे नेगेटिव है, सो प्लस और माइनस अट्रैक्शन होगा, दैट मींस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी Cu+2 हैं, जितने भी प्लस चार्ज हैं, वो एनोड की तरफ भागेंगे, Cu+2 एनोड की तरफ भागेगा, इससे जाके चिपक जाएगा, जितने भी Cu+2 हैं सॉल्यूशन से इसके ऊपर जाके चिपक जाएगा। लेकिन अब अगर मान लो ऐसा होने लगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन का सारा Cu+2 इसके ऊपर आ जाएगा, दैट मींस ये इलेक्ट्रोलाइट खराब हो जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट हमेशा मेंटेन रहता है। मान लीजिए हमने 1 लीटर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया तो ये हमेशा 1 लीटर रहेगा,
तो Cu+2 अगर यहां से यहां जा रहा है तो इसके अंदर भी Cu+2 कहीं से आना चाहिए। तो Cu+2 का कंसंट्रेशन सेम रखने के लिए जो इंप्योर कॉपर के अंदर जो Cu+2 है ना वो यहां आता है, इलेक्ट्रोलाइट से सॉल्यूशन से यहां आएगा और इसके अंदर Cu+2 यहां से आता है। आया राहुल? आया एहसान खान? एक बार और देखो, आपके पास कैथोड है, आपके पास एनोड है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट याद नहीं रखना होता है। अगर रिफाइनिंग कॉपर का है तो ये कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर का होगा। अगर मान लीजिए ये लेड का है तो ये भी लेड के होंगे। जिसमें भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग लगानी है उसी के कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट लगाते हैं। ठीक है, अब आइए सीपी कैरियर पॉइंट बढ़ते हैं। तो यहां पे प्योर मेटल लेंगे, एनोड इम्प्योर मेटल लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। किसका? जिसका रिफाइनिंग करना है उसी का। यहां तक बात क्लियर है? आइए अब ये आपको देखो, ये रहा डब्बा, डब्बे के अंदर प्योर, डब्बे के अंदर इम्प्योर। अब होता क्या है, दिस इज निगेटिव चार्ज। अब यहां पे सॉल्यूशन में Cu+2 है तो प्लस और माइनस के बीच में वो होगी अट्रैक्शन। तो जितना भी Cu+2 था वो सॉल्यूशन से इसमें आके चिपकने लगा। ठीक है, तो कुछ देर बाद जब इसमें Cu+2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा इस सॉल्यूशन में, तो यहां से जो Cu+2 है ना वो आएंगे इधर ताकि इस सॉल्यूशन के अंदर Cu+2 का कंसंट्रेशन बना रहे। और एक टाइम ऐसा आएगा सारे इंप्योर कॉपर का जो ये मेटल का स्ट्रिप है इसमें से प्योर कॉपर सॉल्यूशन में आ जाएंगे और जितने भी इंप्यूरिटी है वो गलते 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 यहां सारी इंप्यूरिटी आके बैठ जाएगी। दैट इज कॉल्ड एनोड मड। मड का मतलब होता है कीचड़, और जितने भी इंप्योर कीचड़ है वो सारा आके यहां पे बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी प्योर चीजें सॉल्यूशन में आते जाएंगी और सॉल्यूशन में आते जाएगा और यहां पे आके अट्रैक्ट होते जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा प्योर कॉपर जो है ना वो मोटा हो जाएगा। क्यों? कॉपर बढ़ गया और इंप्योर कॉपर जो है वो पतला हो जाएगा। पतला क्या हो जाएगा? वो एनोड मड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बहुत अच्छा विकल्प। ठीक है, सो यही चीज है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, Cu+2 कहां प्रेजेंट है? CuSO4 में। एक मिनट, Cu+2 कहां प्रेजेंट है? CuSO4 में। अब CuSO4 में क्या होता है? Cu+2 इज केटाइन एंड इट गेट्स टुवर्ड्स नेगेटिव कैथोड। अरे पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, वही वाली चीज जो है हमने यहां पे लिख दी है ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं अभी तक? एक मिनट, आओ, ये बात समझ में आ गई? ओके, यही चीज लिखी हुई है। प्योर जो कॉपर है वो कैथोड पे कलेक्ट हो जाता है, इंप्योर जो है वो एनोड मड की तरफ निकल जाता है। और ये जो फिगर है ना ये बहुत है, Cu+2 यहां आके बैठ जाएगा, यहां से Cu+2 यहां आ जाएगा। तो सारी प्योर चीज यहां से यहां आ रही है, यहां से यहां जा रही है। क्या ये एरो काफी नहीं है इसको समझने के लिए? और ये जो एनोड मड है ना वो यहां बनेगा एनोड के नीचे। मिस्टर आलम, अलमास, उमेश, मोनिका, वैष्णवी, आशुतोष, समझ में आ गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए, बस कुछ नहीं है, प्लस और माइनस का अट्रैक्शन ही तो हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, उसी का उपाध्याय विकल्प, समझ में आ रहा है? तो आप चलिए लेड की बात कर लें, कॉपर की बात हो गई, लेड की बात कर लें। लेड में इतने सारे ओर्स होते हैं, ओर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन ओर कौन है? तो कैसे डिसाइड होता है कि मेन ओर कौन सा है? इतने सारे ओर हैं, कोई भी हो सकता है मेन ओर, लेकिन वैसा ओर जिसमें से मैक्सिमम लेड निकाला जा सकता है वही वाला मेन ओर होता है। ठीक है, जैसे लेड सल्फाइड, लेड ऑक्साइड, लेड का सल्फेट, लेड का कार्बोनेट, सारे लेड के ओर हैं। इसमें से पता किया जाएगा कि लेड ऑक्साइड में से लेड मैक्सिमम निकाला जा सकता है या लेड सल्फाइड में से या लेड सल्फेट में से, जिसमें से भी मैक्सिमम लेड निकाला जा सकता है उसी को मेन ओर बोलते हैं। तो साइंटिस्टों ने जब रिसर्च करी तो इसका मेन ओर सल्फाइड निकला। लेड का सल्फाइड से मैक्सिमम सल्फाइड निकाला जा सकता है, तभी तो जाके ये इकोनॉमिकल हुआ। आइए, किसी भी मेटल के लिए आपको चार प्रोसेस से गुजरना होगा, होगा कि नहीं होगा? ओके निहिर, गर्ग, मोहम्मद दानिश, सुचेता महाराणा, सब समझ में आ रहा है? आइए, चार प्रोसेस में से अब हमारे पास ओर कौन सा है? लेड का सल्फाइड ओर। अरे भाई साहब, मुझे बताइए, लेड का सल्फाइड ओर
क्या पीबीएस को गैलेना कहते थे कि नहीं कहते थे? आइए, अब सल्फाइड ओर है तो कौन सा प्रोसेस? अरे भाई साहब, फोर्थ फ्लोटेशन। सल्फाइड ओर के लिए फोर्थ फ्लोटेशन, अगर बॉक्साइट ओर है तो लीचिंग, बाद बाकी कुछ भी है तो ये दोनों प्रोसेस। सल्फाइड ओर के लिए ये, और एल्यूमिनियम बॉक्साइट ओर के लिए ये, बाद बाकी कुछ भी है ये दोनों। अरे बात समझ में आते जा रहा है तो बोलते जाइए। हां बहुत अच्छा, फ्रोथ फ्लोटेशन, बिल्कुल सही। मैं देख पा रहा हूं एकदम सही आंसर आ रहा है, एब्सोल्यूटली करेक्ट। अब जब कंसंट्रेशन हो जाएगा तो क्या मिलता है? प्योर ओर। पहले हमारे पास स्टेप वन से पहले क्या होता है? हमारे पास ओर होता है जो जेसीबी की खुदाई करते हैं तो जमीन से निकलता है। तो जब जमीन से निकलेगा तो प्योर ओर होगा, उसके साथ साथ धूल मिट्टी भी तो लगा होगा, जमीन के नीचे दबा हुआ पड़ा था, तो धूल मिट्टी निकल जाती है कंसंट्रेशन करने से। दैट मींस हमारे पास चिकना फ्रेश ओर मिलेगा, दैट मींस फ्रेश ओर मिल गया। सेकेंड प्रोसेस में जो फ्रेश ओर है उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, करते कि नहीं करते? रंजन राजपूत, उमेश व्रज शाह चंचल, ओशिका एहसान कमांडो एंड मोहम्मद तारिक, सो इन दोनों में से सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बताने की जरूरत है? नहीं। आइए, जब रोस्टिंग लगेगी तो एक बात आपको अलग से इसमें ध्यान रखना है कि जब रोस्टिंग होगी तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट होगा। रोस्टिंग का मतलब ही होता है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सो आदिति कृष्णा, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जब करेंगे तो लेड का जो ओर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेड का ओर पीबीओ में भी कन्वर्ट होता है और पीबीएसओ4 में भी कन्वर्ट होता है। ये केवल केवल लेड के केस में होता है, इसीलिए तो इसको स्पेशल मेटलर्जी में पढ़ रहे हैं। मरियम खान इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो रोस्टिंग में, रोस्टिंग के अंदर देखो, यहां पे आओ, रोस्टिंग जब भी होता था आज से पहले लेड को छोड़ के, तब केवल मेटल जो ओर जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता था। लेड का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑक्साइड तो बन ही रहा है, साथ साथ सल्फेट भी बन रहा है, पीबीओ तो बन ही रहा है, पीबीएसओ4 भी बन रहा है। पार्शियली दोनों में कुछ पार्ट, कुछ लेड इसमें बन जाता है, कुछ लेड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, यस रोहित शर्मा, आई कैन हियर यू। रोहित शर्मा भाई साहब, हिटमैन, कैसे भूल सकता हूं मैं। अब देखिए, प्रोसेस नंबर टू खत्म हो गया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। लेड के केस में ऑक्साइड भी हो चुका है और सल्फेट भी बन चुका है। ठीक, थर्ड प्रोसेस में जो भी ऑक्साइड है ना उसको मेटल में रिड्यूस करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए हां अगर समझ में आए। बिल्कुल सही, आदिति ने बिल्कुल सही पकड़ा। अब होता क्या है, देखो यहां पे बताता हूं मैं आपको, एक एक करके क्या फर्स्ट लाइन आप पढ़ पा रहे? देखना, रोस्टिंग के बाद हमारे पास पीबीएस जो है वो पीबी और पीबीएसओ4 में बन गया है। अब आइए, रोस्टिंग के बाद जब हमारे पास पीबीओ और पीबीएसओ4 बन चुका है, हम इसमें स्मेल्टिंग प्रोसेस लगाते हैं। क्यों आप कहोगे? तो मैंने बोला था रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर के मेटल हैं उनका तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, जो बीच वाले हैं उनका तो स्मेल्टिंग होता है। स्मेल्टिंग क्यों बोल रहे हैं? जो भी रिडक्शन कार्बन से होता है उसको स्मेल्टिंग कहते हैं, और जो नीचे वाले हैं उनका पाइरोमेटलर्जी होता है। ये बात याद है? दैट मींस लेड जो है वो बीच में होता है, जब अगर ध्यान रखोगे तो। ठीक, और लेड जो है वो बीच में है, दैट मींस स्मेल्टिंग प्रोसेस होगा। स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या इस्तेमाल करते हैं? कोक, कार्बन से रिडक्शन करते हैं कोक। देखो, जैसे ही हमारे पास पीबीओ और पीबीएसओ4 मिला यूजिंग सेकेंड प्रोसेस, यूजिंग रोस्टिंग, हम उसमें कोक और, ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यस वेयर कोक और पीबीएस दोनों मिला देते हैं। अब आप कहोगे सर कोक मिलाना चाहिए, पीबीएस क्यों मिलाया? कॉपर में भी सेल्फ रिडक्शन होता है, यहां भी सेल्फ रिडक्शन होता है। रिडक्शन होना है मेटल में, लेकिन कॉपर और लेड में स्पेशल मेटलर्जी के अंदर दोनों सेल्फ रिडक्शन करते हैं। कौन कौन से? केवल कॉपर और केवल लेड, यही दोनों सेल्फ रिडक्शन करते हैं, सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, व्रज शाह, विपिन यादव, ओशिका, यस और नो? यस। अब रोस्टिंग करने के बाद, इशिता रोस्टिंग हो रही है, बहुत सही। अब रोस्टिंग करने के बाद देखो, पीबीओ और पीबीएसओ4 बन गया था, होना क्या चाहिए था कि भाई साहब ऑक्साइड जो बना है वो मेटल में बन जाए, लेकिन ऑक्साइड थोड़ी बना है,
ऑक्साइड के साथ साथ सल्फेट भी बना है। बहुत सही, जब ऑक्साइड के साथ साथ सल्फेट बना है तो सेल्फ रिडक्शन होगा। देखो, यस, संगीता चौधरी एब्सोल्युटली करेक्ट, PbSO4 को एंजल साइट बोलते हैं, लेकिन चूंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए इसको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। हां, विकल्प आते हैं उसमें। अब रिफाइनिंग की जो मेटल है, देखो ये कंबाइन, ये क्लास ऐसी होती है जिससे आप जेई मेंस तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, नीट और एम्स भी कर सकते हैं, बट अब अगर एम्स नहीं हुई तो नीट कर सकते हैं। आइए, बहुत अच्छे से। अब जब है, जो अभी तक क्या मिला इसके पहले प्रोसेस में, हमारे पास मेटल मिल चुका है, लेकिन अब इसकी रिफाइनिंग भी तो करोगे, स्टेप नंबर 3 पे थोड़ी छोड़ोगे, स्टेप नंबर 4 भी तो करोगे। सो रिफाइनिंग कर दिया। अब रिफाइनिंग में क्या होता है, देखो जो हमारे पास लेड मिला है ना यूजिंग सेल्फ रिडक्शन, उसके अंदर ये सारे जो है ना इंप्यूरिटी होते हैं, थोड़ा बहुत कॉपर होता है, थोड़ा बहुत आयरन होता है, थोड़ा बहुत आर्सेनिक होता है। लेड जब मिलता है हमारे पास मेटल, उसके साथ साथ बहुत सारी इंप्यूरिटी चिपक के आती हैं। तो होता क्या है, इस इंप्यूरिटी को कैसे हटाते हैं वो आपको दिमाग में रखना है। इस इंप्यूरिटी को हटाने के लिए 3 प्रोसेस लगाते हैं, इसीलिए इसको स्पेशल मेटलर्जी कह रहा हूं। अब आपको एक बार क्वेश्चन आ चुका है डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड के ऊपर, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो आ ही चुका है। सो ये दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शोएब अख्तर आज क्विज नहीं होगा। अब आओ, सॉफ्टनिंग प्रोसेस क्या होता है। देखो कुछ नहीं करते, जो हमारे पास लेड मिला है ना पिछले प्रोसेस में, लेड मिला है उसी को थोड़ा सा एयर के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं। आओ देखो, जो लेड मिला है ना उसी को एयर की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास थे, कॉपर, आयरन, ये सारी इंप्यूरिटी लेड के साथ था, थोड़ा सा इसको हीट किया तो ये वोलाटाइल ऑक्साइड बन जाते हैं। वोलाटाइल ऑक्साइड का मतलब ऐसा ऑक्साइड जो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे इवापोरेट हो जाए, वोलाटाइल ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, ओके राहुल, विल अनाउंस एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए, तो ये क्या सॉफ्टनिंग प्रोसेस समझ में आई। लेड के साथ बहुत सारी इंप्यूरिटी रहती है, उसको कैसे हटाते हो, इस प्रोसेस से। लेकिन अब आपको मैं बोलूं, देखो यहां पे हमने, यहां पे एजी भी है, ये भी वोलाटाइल ऑक्साइड में रिमूव हो जाएगा, ये भी, लेकिन सिल्वर का वोलाटाइल ऑक्साइड नहीं बनता है, तो सिल्वर को भी तो हटाओगे कैसे। अब जो भी ये सारे जो है वो सारे वोलाटाइल ऑक्साइड बनकर रिलीज हो जाएंगे, लेकिन सिल्वर का क्या करें सर, सिल्वर को भी तो हटाना ही है। आओ, सिल्वर को हटाने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहां पे, सिल्वर को हटाने के लिए यू हैव टू यूज डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। दैट मींस लेड के अंदर से सिल्वर को हटाना इज डीसिल्वराइजेशन। अब कैसे करोगे, देखो इसके लिए 2 प्रोसेस है, पार्के प्रोसेस और पैटिनसन प्रोसेस। सो एक एक करके अब हम पार्के और पैटिनसन पढ़ेंगे। ठीक है, यस, ओके, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ मेटलर्जी। आइए पार्के प्रोसेस एक बार पढ़ते हैं। पार्के प्रोसेस क्या होता है, देखो हमारे पास क्या है, लेड, और लेड के अंदर सिल्वर की इंप्यूरिटी है। यहां तक क्लियर है, लेड हमारे पास मिला हुआ है, उसमें से सारी बाकी इंप्यूरिटी निकल चुकी है, केवल सिल्वर बचा हुआ है जिसका हम डी सिल्वराइजेशन कर रहे हैं यूजिंग पार्के प्रोसेस। पार्के प्रोसेस क्या करता है, देखना अब हमारे पास देखो ये है लेड, लेड का सॉल्यूशन, इसके अंदर जो सिल्वर है ना, सिल्वर एजी, सिल्वर की इंप्यूरिटी पड़ी है। तो करता क्या है ये सिल्वर ऐसा एक वो मेटल ऐड होता है, जैसे मान जिंक ऐड होता है, ठीक है, जिंक इसमें ऐड कर देगा, लिक्विड जिंक मेटल ऐड हो जाता है। लिक्विड जिंक क्या करता है, ये जो सिल्वर है ना इसको अपने आप में सॉल्यूबल कर लेता है। कहने का मतलब है इसमें जिंक डाला तो जिंक डालने से सिल्वर इसमें सॉल्यूबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिल्वर लेड के साथ पहले है, देखो सिल्वर जो है वो लेड के साथ चिपका हुआ है, लेकिन जैसे ही जिंक आया तो जो सिल्वर है ना वो मोर सॉल्यूबल होता है जिंक के साथ, तो ये लेड को छोड़ के जिंक के साथ चिपक जाएगा। समझ में आया, देखो पहले क्या होता है, सिल्वर लेड से चिपका होता है, ये छोड़ नहीं रहा है, तभी तो डीसिल्वराइजेशन कर रहे हैं, पार्के प्रोसेस लगा रहे हैं। अब पार्के प्रोसेस क्या करता है, बड़ा शातिर है, इसने जिंक डाल दिया बाहर से, जिंक क्या करता है, जिंक जो है इस सिल्वर को चिपका लेगा अपने में। क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो मोर सॉल्यूबल होता है सिल्वर के साथ। ठीक है, बहुत अच्छा, आई यही चीज होता है, देखो सिल्वर जिंक में ज्यादा सॉल्यूबल है, तो जब डालेंगे तो सिल्वर डिजॉल्व हो जाता है जिंक में, तो अब लेड से, लेड को छोड़ के जिंक के पास चिपक गया। ठीक है,
यही होता है। आइए अब होता क्या है अब एक बार बता दूं। देखो यहां पे हमारे पास होता है लेड, लेड के साथ साथ इसमें होता है हमारे पास सिल्वर। जैसे ही हमने बाहर से जिंक मोल्टेन जिंक डालते हैं, मोल्टेन जिंक, तो ये जिंक जो है इट इज मोर सोल्यूबल इन सिल्वर एज कंपेयर टू लेड। लेड और जिंक की कंपैरिजन करें तो जिंक मोर सोल्यूबल होता है सिल्वर के साथ। तो जिंक डालते ही ये सारा सिल्वर जिंक के साथ चिपक जाएगा, लेड बेचारा अलग अलग रह जाएगा। तो हमें यही तो चाहिए था, सारा सारा लेड आ गया नीचे और जो जिंक प्लस सिल्वर का जो हमें सोल्यूबल मिला है वो वो जो मेटल के ऊपर है वो फ्लोट करने लगता है। सो दिस इज व्हाट फ्लोटिंग सरफेस, क्या होता है फ्लोटिंग सरफेस ऑफ दिस जिंक एंड सिल्वर मेटल। ठीक है, बहुत अच्छा, यस दीक्षा साह, ये ऊपर आ जाता है सरफेस के ऊपर। देखो अब जब सरफेस के ऊपर आया तो इसको एक स्पून से या किसी भी चीज से आप निकाल सकते हो, ब्रेड बटर जैम की तरह ही तो है। जैम को क्या करते हो आप, निकालते हो चम्मच से, वैसे ही निकाल लो। तो हमारे पास पूरा पूरा प्योर लेड मिल गया, हमें यही तो चाहिए था। यस पैचअप हो गया, यही तो है, पूरा केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट पैचअप एंड ब्रेकअप, ब्रेकअप जो भी है। ठीक है, चलिए अब पेटिंसन प्रोसेस पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, पेटिंसन प्रोसेस से देखो क्वेश्चन तो नहीं आना, बहुत ही वाहियात मेथड है, आपको खुद ही लगेगा ये क्या कर रहा है। जब भी सिल्वर का कंटेंट लेड के साथ ज्यादा हो पार के प्रोसेस लगाओगे, लेकिन जब सिल्वर का कंटेंट लो हो तो पेटिंसन लगाओगे। देखना आप खुद बताओगे कितना वाहियात प्रोसेस है। देखो क्या करते हैं, जो हमारे पास जो बॉक्स है फिर से बना देता हूं मैं एक बार, हमारे पास ये रहा बीकर, इस बीकर के अंदर वी हैव लेड प्लस, इस बीकर के अंदर वी हैव लेड प्लस एजी का इंप्यूरिटी, लेड उसके साथ साथ सिल्वर की इंप्यूरिटी। अब जब सिल्वर की इंप्यूरिटी का कंटेंट लो हो तो हम पेटिंसन प्रोसेस लगाएंगे, लेकिन अब इस पेटिंसन प्रोसेस में अलग कैसे करते हैं, इस लेड को और एजी को अलग कैसे करते हैं। देखना पीबी और एजी का जो मिक्सचर है, जो अलवाय है, उसको बार बार गर्म करेंगे और बार बार कूल डाउन करेंगे, हॉट एंड कूल डाउन, हीट करेंगे वापस कूल डाउन करेंगे, फिर हीट करेंगे वापस कूल डाउन करेंगे, एंड दिस इज डन रिपीटेडली, बार बार करते हैं। अब ऐसा होता क्या है, जैसे ही गर्म किया तो थोड़ा सा उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, फिर ठंडा करोगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम वॉल्यूम ज्यादा होने के चलते जो अपना प्रोसेस है ना, जो इसमें सिल्वर का कॉन्टेंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। कैसे, मोर इंप्यूरिटी इसके अंदर आ जाती है। एजी क्या है, इंप्यूरिटी। अब इसको बार बार गर्म ठंडा करने की वजह से एजी की कंटेंट बढ़ गई, जैसे ही एजी का कंटेंट बढ़ा, जैसे ही सिल्वर का कंटेंट 5% होता है, पार के प्रोसेस लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो पेटिंसन प्रोसेस कुछ भी नहीं है, पार के प्रोसेस का ही छोटा सा बच्चा है और कुछ नहीं। अब जब तक 5% से सिल्वर कम है तो लगाओगे पेटिंसन, बार बार गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म ठंडा करो, जैसे ही सिल्वर का कॉन्टेंट 5% हुआ, पार के प्रोसेस लगा के सिल्वर अलग और लेड अलग। ठीक है, बहुत अच्छा, आइए देखते हैं विशाल, उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्रैश कोर्स कब करना है, कैसे करना है, जरूर चर्चा करेंगे आपसे। वैष्णवी नायक, सो रिफाइनिंग ऑफ द मेटल है, अब वही रिफाइनिंग, जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, देखो रिफाइनिंग, रिफाइनिंग में क्या है, लेड है ना, तो कैथोड जो है वो लेड का लेंगे, एनोड लेड का लेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी लेड का लेंगे, लेकिन लेकिन अब देखो आप होता क्या है, मोहम्मद तारिक सही बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा विकल्प ने बोला। अब देखो सीपी है, कैरियर पॉइंट पढ़ते, तो कैथोड के अंदर प्योर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो एआई, और सॉल्यूशन मैंने बोला था ना, सॉल्यूशन किसका होगा, जिस मेटल को करना, जैसे पिछली बार क्या था, कॉपर का सॉल्यूशन था, अब लेड का सॉल्यूशन है। अब इसमें दिमाग में रखने की चीज यह है कि भाई साहब ये वाली चीज हम लगाते हैं PbSiF6 और H2SiF6, दैट मींस लेड फ्लोरोसिलिकेट और हाइड्रोफ्लोरोसिलिकेट यूज करते हैं, क्यों करते हैं इसका कोई रीजन नहीं, बट ऐसा साइंटिस्टों ने किया तो इसलिए हमें भी करना पड़ेगा। ऐसा करने से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होगा, यहां से वापस Pb+2 निकलेगा, सॉल्यूशन से Pb+2 निकलेगा, वो एनोड के पास जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अट्रैक्ट होगा, वापस जो हमारे पास इंप्योर चीज है उसमें से Pb+2 निकाल के यहां आएगा और बात खत्म। आदित्य कृष्णा, समझ में आ रहा, चार्ज डिफरेंट, नो चार्ज कैसे डिफरेंट है, कैथोड पहले भी माइनस था, एनोड अभी भी प्लस है, कोई डिफरेंट नहीं है। आइए
ठीक है, आइए, बहुत बहुत बढ़िया। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बहुत अच्छा है कि भाई साहब एक ही ऑक्साइड है, एक ही ओर है इसका, बॉक्साइट ओर, और यही इसका मेन ओर है। ठीक है, अब ये ऑक्साइड ओर है तो कैसे करोगे, कैसे कंसेंट्रेशन करोगे, कैसे करोगे कंसेंट्रेशन? तो यू कैन यूज द फर्स्ट एंड सेकेंड, कि उसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग भी लगा सकते हो, उसमें आप क्या लगा सकते हो, द फर्स्ट वन दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सेकेंड वन, तो ये दोनों लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं बताऊं, ये है बॉक्साइट ओर, थोड़ा सा आपको एग्जामिनर घुमाने की कोशिश की और आप समझ गए ऑक्साइड ओर देख के, लेकिन मैंने बोला ना सल्फाइड ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन और बॉक्साइट ओर के लिए लीचिंग, तो लीचिंग आपके पास है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम में आयरन और सिलिका की इंप्यूरिटी है, इफ एल्यूमिनियम के अंदर आयरन और सिलिका की इंप्यूरिटी है, तो फिर उसकी कंसेंट्रेशन दूसरे मेथड से करते हैं। अगर आयरन और सिलिका के अलावा और कोई भी इंप्यूरिटी हुई, देन यू विल यूज लीचिंग। लेकिन स्पेशल मेटलर्जी इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि कोई भी चीजें इससे रिलेटेड अलग हो रही है तो पढ़ लें। तो देखो, जब भी एल्यूमिनियम के अंदर, बॉक्साइट ओर के अंदर आयरन और सिलिका की इंप्यूरिटी हो, देन वी विल यूज दिस प्रोसेस। देखो, ये बेयर्स प्रोसेस, सर्पिक प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस। ठीक है, ओके। अब बेयर्स प्रोसेस क्या होता है देखते हैं। बेयर्स प्रोसेस तब इस्तेमाल करते हैं जब एल्यूमिनियम के अंदर आयरन की इंप्यूरिटी हो। सर्पिक प्रोसेस तब लगाते हैं जब एल्यूमिनियम के अंदर किसकी इंप्यूरिटी हो, सिलिका की इंप्यूरिटी हो। और जब दोनों इंप्यूरिटी होती है, थोड़ा यह भी है थोड़ा यह भी इंप्यूरिटी है, तो फिर हॉल्स प्रोसेस लगा लेते हैं। अगर इनके अलावा कोई और इंप्यूरिटी हो तो लीचिंग। ठीक है, ओके, फाइन। आइए, जब बेयर्स प्रोसेस क्या होता है, देखो Fe2O3 जब हमारे पास, मतलब आयरन अगर इंप्यूरिटी हो, तो अगर इंप्यूरिटी आयरन है तो सिंपल है, ओनली थ्री स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। सबसे पहले जो ओर है हमारे पास, दैट मींस Al2O3, दैट मींस प्योर ओर, जो ओर है उसको सॉल्यूबल करते हैं। अब ये पहले एक्चुअली पढ़ चुके हैं, वापस रिपीट करता हूं। देखो, हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास क्या है, ओर है। ओर किसका, दैट मींस Al2O3 का ओर है। ठीक है, इस Al2O3 को क्या करते हैं, पहले एक सुटेबल रिएजेंट डाल के सोल्यूबल कर देते हैं। ठीक है, आओ, इसके अंदर हमारे पास इंप्योरिटी किसकी है, आयरन की, Fe2O3 की इंप्योरिटी है। अब इसमें एक बाहर से क्या डाला, रिएजेंट। ये रिएजेंट डालते ही ये रिएजेंट और ये सोल्यूबल हो गए। दैट मींस नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि ये चीज सोल्यूबल बना लेगी, लेकिन नीचे इंप्यूरिटीज, जो भी आयरन की इंप्यूरिटी है वो नीचे आ जाएगी। सोल्यूबल चीजें तो मिल जाएगी, लेकिन इंप्यूरिटी जो आयरन की है वो यहां पे बैठ जाएगी। आपको पता है ना, अगर मान लो एक ग्लास वाटर लो और वाटर ग्लास के अंदर नीचे अगर मिट्टी बैठ जाती है कि नहीं बैठ जाती है, तो जो चीज सोल्यूबल हो गई वो ऊपर आ गई और इनसोल्यूबल नीचे बैठ गई। तो हम क्या करेंगे, ग्लास को टेढ़ा करेंगे और सोल्यूबल चीज निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, हमें चाहिए प्योर ओर। ठीक है, हमारे पास क्या है, बेयर्स प्रोसेस, और बेयर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, बॉक्साइट ओर में अगर आयरन की इंप्यूरिटी हो, दैट मींस इफ बॉक्साइट ओर, इफ Al2O3 हैज Fe2O3 एज इंप्यूरिटी, यू विल यूज बेयर्स प्रोसेस। सो बेयर्स प्रोसेस में करते क्या है, एक रिएजेंट, सुटेबल रिएजेंट, रिएजेंट कैसे डिसाइड होगा, जिसमें ये वाली चीज जो प्योर पार्टिकल है वो सोल्यूबल हो जाए। अब बताओ, सुनो, रेड जींस आलिया किसमें सोल्यूबल है, आलिया, आलिया है ना, एल एल्यूमिनियम, ये किसमें सोल्यूबल है, NaOH में। दैट मींस वो एन रिएजेंट क्या हो जाएगा, NaOH, ये NaOH में सोल्यूबल हो जाएगा। क्या होगा, NaAlO2, ये बना लेगा सोडियम एल्यूमिनेट। ये सब पढ़ चुके हैं इस ब्लॉक से लेके। अब जब सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा, कुछ नहीं करना, देखो अब आगे आपको रिएक्शन ही बता दूं। देखो, NaAlO2 बन गया, ये सोल्यूबल हो गया। अब सोल्यूबल ऊपर आ गया और इंप्यूरिटी जितनी भी है वो नीचे चली गई। दैट मींस ये जो आयरन की इंप्यूरिटी है, आयरन की इंप्यूरिटी वो नीचे बैठ गई मिट्टी की तरह। अब आओ, जैसे ही, यस, देखो देखो देखो, ये सारी चीज आपको दिखा देता हूं। ये है आपकी मेन चीज, बॉक्साइट और सर्पिक पे, कहां, यस, NaAlO2 हो गया। अब इसमें कुछ नहीं, पानी मिला दो, AlOH होल थ्रा, हीट करोगे एल्यूमिनियम। हमें चाहिए प्योर बॉक्साइट और, प्योर बॉक्साइट और कैसे बना, ये हमारे पास निकल गया प्योर। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला, AlOH होल थ्राइस, हाइड्रोक्साइड और को हीट करोगे, यू विल गेट ऑक्साइड। सो हमें चाहिए प्योर और, प्योर बॉक्साइट और। ठीक है, मिल गया हमारे पास।
सबसे पहले इंप्यूरिटी को नीचे बैठा दिया सोल्यूबल करके, और सोल्यूबल जो मिल गया इसमें पानी डाल दिया। सिमिलरली यू विल गो फॉर सर्पिक प्रोसेस। बेस प्रोसेस तब यूज करेंगे जब आयरन इंप्यूरिटी हो, ठीक है? बहुत अच्छा, आइए इस पे। सर्पिक प्रोसेस, सर्पिक प्रोसेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ओर है इसमें किसकी इंप्यूरिटी है, सिलिका की। जब आयरन की इंप्यूरिटी है बेयर्स प्रोसेस, सिलिका की इंप्यूरिटी है सर्पिक प्रोसेस। आइए, सर्पिक प्रोसेस में कुछ नहीं करते, जो भी हमारे पास ओर है ना उसको नाइट्रोजन से हीट कर देते। व्हेन यू विल हीट इट विद नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बनेगा। जब भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करोगे तो नाइट्राइड बनेगा, इट इज सिंपल। कैसे बनेगा, यहां पे एल्यूमिनियम प्लस थ्री में है और नाइट्रोजन माइनस थ्री में है, तो प्लस एंड माइनस केटाइन और एनाइन कंबाइन हो जाएंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा। अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना, फिर से वही, वहां क्या बना था सोडियम एल्यूमिनेट और यहां क्या बना था एल्यूमिनियम नाइट्राइड। पानी ही तो मिलाना है, वाटर ही तो देना है। सो व्हेन यू विल गिव हाइड्रोजन इट विल फॉर्म AlOH ऑल थ्राइस। और हाइड्रोक्साइड से ऑक्साइड बनाना डिफिकल्ट है क्या? यू जस्ट हैव टू रिमूव वाटर, और वाटर कैसे हटेगा किसी सॉल्यूशन में, हीट देने पे। सो व्हेन यू विल हीट दिस सॉल्यूशन, वाटर इवोपोरेट होकर ऑक्साइड बना देगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच मोहम्मद तारिक। और ये हो गई आपको Al2O3। हमारा कंसेंट्रेशन का काम यही होता है कि इंप्योर जो ओर है ना उसको प्योर कन्वर्ट करना। सो इंप्योर था क्योंकि इसके अंदर सिलिका की इंप्यूरिटी थी, अब सिलिका की इंप्यूरिटी नहीं है तो प्योर हो गया, इंप्यूरिटी हट गया तो प्योर बचा। चलिए, नाइट्रोजन कहां गया, वेरी गुड। यहां पे जब भी नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इट विल बी फॉर्म अमोनिया गैस, और गैस एयर में मिल जाता है। आइए, बहुत अच्छा, एक और चीज आपने डिस्कस करी, इंप्यूरिटी सिलिका कहां गई, हमने केवल इसकी इंप्यूरिटी ले ली, तो हम साथ साथ में कोक भी तो मिला रहे हैं, कार्बन भी तो मिला रहे हैं, अभी तो हमने केवल नाइट्रोजन वाली रिएक्शन पढ़ ली, लेकिन इस कोक का क्या? तो देखो, जब भी कोक इस सिलिका से मिलेगा, सिलिका इंप्यूरिटी है, तो ये क्या बनेगा, सिलिकन अलग से प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये उड़ जाएगा, एनवायरमेंट में मिल जाएगा, ये हमारे पास सिलिका है। ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ये भी इवेपोरेट हो जाता है, दैट मीन सिलिका भी इवेपोरेट हो गया, हमारे पास बचा क्या, एल्यूमिनियम Al2O3। ठीक है, समझ में आया सब कुछ, वेरी गुड। सिलिका इवेपोरेट कर गया, क्यों, सिलिकन की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। एंड नाउ यू हैव द लास्ट, दैट इज हॉल्स प्रोसेस। बेस प्रोसेस कब इस्तेमाल कर रहे हैं, आयरन इंप्यूरिटी के लिए। सर्पिक प्रोसेस कब करेंगे, सिलिका की इंप्यूरिटी के लिए। एंड हॉल्स प्रोसेस कब करेंगे, जब आयरन की भी इंप्यूरिटी हो और सिलिका की भी हो, दैट मींस कंबाइंड इंप्यूरिटी हो। ठीक है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, Na2CO3 का हम एडिशन करते हैं। सबसे पहले हम हॉल्स बेयर्स प्रोसेस में क्या इस्तेमाल कर रहे थे, NaOH। हॉल्स प्रोसेस में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्पिक प्रोसेस में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, N2। और यहां क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब बहुत अच्छा, S ब्लॉक का रिएक्शन है ना, तो देखो Al+3 में है, ऐसा कंपाउंड बनाओ जो Al+3 में बने, NaAlO2 एक ही है। सिमिलर NaAlO2 बन गया, कुछ नहीं, पानी ही तो डालना है, H2O डाला, AlOH होल थ्राइस, थोड़ा सा पानी निकालने के लिए हीट करो, Al2O3 मिल गया। अब इसका कैल्सिनेशन रोस्टिंग सिमिलर जैसा होता है, इसका स्टेप नंबर 3 जो पहले पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही होता है, स्टेप नंबर 4 जो पहले पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही होता है। इसमें अलग यही था, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लीजिए जो मैंने अभी पढ़ाई, रुको एक मिनट, जो अभी मैंने पढ़ाई आपको, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, सो बॉक्साइट ओर की कंसेंट्रेशन लीचिंग से होगी हमेशा, लेकिन अगर आयरन और सिलिका की इंप्यूरिटी मिली तो आयरन की इंप्यूरिटी के केस में तो अपन क्या लगाएंगे, बेयर्स प्रोसेस, सिलिका की इंप्यूरिटी के केस में सर्पिक प्रोसेस, अगर आयरन और सिलिका दोनों हो गई तो हॉल्स प्रोसेस, एज सिंपल एज दैट। फिर से देखना एक और चीज देखना, अगर मान लीजिए बेयर्स प्रोसेस में हमें आयरन की इंप्यूरिटी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, NaOH का मिलाते हैं, दूसरे वाले में दिस प्रोसेस में N2 मिलाते हैं, एंड थर्ड वाले प्रोसेस में यू विल बी फॉर Na2CO3। तीनों ही केस में क्या बनता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, दैट मींस तीनों ही प्रोसेस का कंसेंट्रेशन होगा
फाइनल प्रोडक्ट विल बी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हमें लास्ट में चाहिए क्या होता है? ऑक्साइड। सो ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड कैसे हीट करते हो, थोड़ा सा पानी ही तो निकालना है। देखो ना, जैसे ही इसमें से H2O निकालोगे यही बनेगा। पानी निकालने के लिए यू जस्ट हैव टू हीट द सॉल्यूशन, ठीक है? हीट द सॉल्यूशन करने के लिए हीटिंग के लिए कोई नहीं, टेम्परेचर कोई भी मेंटेन कर सकते हैं हम। अच्छा, टेम्परेचर इसका ना ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ना ही किसी रेफरेंस बुक में। सो हाइड्रोक्साइड जैसे ही थोड़ी सी भी हीटिंग मिलती है, वाटर इवेपोरेट करने के लिए कितनी टेम्परेचर, 100 डिग्री, दैट मींस। चलिए, मरियम खान, गुड। अच्छा, वीर सिंह, मरियम खान विकल्प, थैंक यू सो मच। ओके, आदित्य कृष्णा, ओके, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, विल अनाउंस इट टुमारो, ठीक है? अनाउंस इट टुमारो, हम कम्युनिटी में डाल देंगे इसको, आप लोग वहां से देख लेना। हेलो एल्कीन और हेलो एरीन भी पढ़ेंगे, ओके ओके, जरूर पढ़ेंगे। सर्पेक प्रोसेस N2, हाँ बहुत अच्छा, नीट एनसीईआरटी आपको यहीं पे याद हो गया, अच्छी बात है मोनिका जांगिड। चलिए, सो आज हमने मेटलर्जी यहां पे फिनिश कर दी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा मंडे से, एकदम फ्रेश, एंड वी विल अनाउंस कौन सा चैप्टर करने वाले, थोड़ा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर मंडे से, अभी यहीं तक रखते हैं। टाटा बाय बाय एवरीबॉडी।